हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में गणित के बहुत ही अच्छे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखा हुआ है, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो बेसिक तरीका है, जिससे आप लॉन्ग मेथड लगा के इस्तेमाल करके आप उसे आंसर लेके आएंगे। एक एक छोटा सा जिसे बोलते हैं ट्रिक, जो आपको देख कर ही पता लग जाएगा किसका आंसर क्या है, पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा, बेसिक भी और इसका तरीका जो शॉर्ट ट्रिक वाला है। बेसिक तरीका क्या है कि आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, बटे में 49 लिखेंगे। यही तो तरीका है, 49 का मल्टीप्लाई 99 करो। तो 99 मल्टीप्लाई 49, प्लस करते हैं उसमें 42 को, और बटे में आ जाएगा आपका 49। ठीक है, और गुने 49, ये बेसिक तरीका बता रहा हूँ। 49 से 49 कट जाएगा। 99 को आप क्या लिख सकते हो, 100 माइनस 1 99 होता है, और गुने में कितना है आपका 49 है, प्लस का है 42। 49 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 49 और 2 जीरो आ जाएंगे। 49 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 49 और प्लस का कितना है 42 है। अब देखना 49, ये माइनस के 49 में से प्लस का 42 माइनस कर दूंगा तो माइनस का कितना बचेगा भाई, माइनस का 49 ज्यादा है, प्लस का 42 कम है, तो 49 में से 42 माइनस कर दूंगा तो माइनस का 7 बचेगा। तो 4900 में से 7 को माइनस कर दो, आंसर आपका आ गया भाई, आ गया कि नहीं आ गया, 4893 आ गया। ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। तो इतना प्रोसेस लगा करके आपका आंसर मिल गया। लेकिन एक तरीका ऐसा भी है जिससे आप बहुत ही कम समय में आंसर को लेके आ सकते हैं, बहुत ही कम समय। देखना कैसे कि ये जो नीचे वाली संख्या है ना, नीचे वाली संख्या, इसको लिख लीजिए 49 को, और यहां पे जितने 9 होंगे उतने जीरो इसके आगे लगा लो। ये वाली संख्या लिख लो, यहां जितने 9 होंगे उतने जीरो यहां पे लगा लो, उसके बाद में इन दोनों का अंतर करके यहां माइनस कर दो। 42 49 का अंतर कितना आएगा, 7। यहां अंतर को माइनस कर दो, खत्म आंसर। 49 में 7 घटा देंगे, 4893। बताइए कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहेंगे आप, कौन सा मेथड? मेथड तो यही सही है, क्योंकि कम समय में आंसर लेके आ रहा है, ये बहुत समय खा जाएगा एग्जाम में। तो आंसर आपका सी बिल्कुल सही जवाब है, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर है, चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, अब जैसे कि ये प्रश्न आपका आ गया है तो कोई बात नहीं, हमने बेसिक तरीका भी सीखा और हमने ट्रिकी मेथड भी सीखा, तो हम ट्रिकी मेथड से इस्तेमाल कर लेंगे। हम ये नीचे वाली संख्या है, इसको लिख लेंगे, यहां जितने 9 होंगे उतने यहां जीरो लगा लेंगे, यही तो बताया मैंने, उसमें से माइनस कर देंगे इन दोनों का अंतर। तो 63 और 67 का अंतर कितना होगा भाई, 4 होगा कि नहीं, और प्लस का कितना आ रहा है इसमें, आगे एक संख्या बढ़ा के और दे रखी है, प्लस का 4। ठीक है, यानी कि यहीं तक खत्म हो जाता, कोई बात नहीं थी, आगे और प्लस का 4 दे रखा है, तो ये प्लस का 4 देंगे। अगर ये नहीं होता ना तो क्वेश्चन भी यहीं खत्म हो जाता, 67 में से 4 माइनस, लेकिन प्लस का 4 दे रखा तो 4 ले लो। अब देखना प्लस का 4 माइनस का 4 कट गया, तो आपके पास यही तो आंसर बचा, 6700 बचा कि नहीं बचा, बी ऑप्शन सही हो गया, यही आंसर बचा, क्योंकि प्लस माइनस तो कट गया। समझ में आ गया होगा अब तो अच्छे से। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को करना आसान नहीं होता, अगर आपने सीख लिया है कहीं अच्छे से तो कर पाएंगे, वरना मुश्किल पड़ जाता है इस क्वेश्चन को। लेकिन मैं आपको आज ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि यह प्रश्न इतना आसानी से हो भी सकता है, क्या नहीं सोचा होगा। देखना पूरा वीडियो, यहां पे पूरा क्वेश्चन देखेंगे आप हमेशा एक बात याद रखना, एक बात हमेशा, कि जो नीचे वाली संख्या है, यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल नीचे से सवाल को सॉल्व करेंगे, यानी कि ऊपर वाली संख्या जो है उसे पहले ले लो, और जो बाद नीचे वाली संख्या उसे बाद में ले लिया आपने, ऊपर वाली संख्या को पहले, नीचे वाली को बाद में, याद रखना इस चीज को। ये दो संख्या हो गई, अब 1 2 3 4 संख्या ये है, तो 1 2 3 4 ये लो। ठीक है, अब करते क्या है, 4 में 5 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा, 5 में 9 जोड़ देंगे 14 हो जाएगा, 9 में 14 जोड़ देंगे 23 हो जाएगा, 14 में 23 जोड़ देंगे 37 हो जाएगा। प्रश्न तो खत्म हो गया, इतना आसानी से करवा रहा हूं कि प्रश्न खत्म भी हो चुका, आपको पता ही नहीं है। ऊपर वाली संख्या को पहले लिखा था कि नहीं, पहले वाली जो संख्या होती है वो ऊपर वाली होती है, और जो बाद वाली वो नीचे वाली, मालूम है ना आपको। ऐसे ही जो पहले वाली संख्या ऊपर वाली होगी 23, और जो बाद वाली है वो नीचे वाली होगी 37, यानी कि 23 के बटे में 37 पहला ऑप्शन सही हो गया।
अब इसमें थोड़ी सी कठिनाई कब बढ़ेगी, जब यहां पे कुछ संख्या एक के अलावा दे रखी है, जैसे यहां दो दे दिया, यहां तीन दे दिया, यहां फिर से दो, यहां चार दे दिया, इस तरीके से यहां पे अगर संख्या होंगी तो आपको थोड़ी सी कठिनाई लगेगी, लेकिन मैं उसको भी आसानी से बता दूंगा। जब यहां पे एक है, जब यहां पे एक है सभी जगह पे, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। बस क्या करना है, ऊपर वाली को पहले ले लो, नीचे वाली को बाद में। जितनी ये संख्या है उतनी संख्याओं की जगह बना लीजिए, फिर पहले में दूसरी जोड़ के लिखो तीसरी मिलेगी, दूसरी में तीसरी जोड़ के लिखो ये मिलेगी, इसमें ये जोड़ के लिखो ये मिल जाएगी। खत्म हो रहा आसानी से, सब कुछ समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं। अगला सवाल है, अभी अभी जो हम सवाल करके आ रहे हैं बिल्कुल वैसा ही है। नीचे से सवाल को स्टार्ट करते हैं, मैंने बताया ऊपर वाली संख्या को पहले लिखते हैं हमेशा, नीचे वाली को बाद में। ये दो संख्या हो गई, अब कितनी संख्या, एक दो तीन चार, तो चार संख्याओं की जगह बना लो, एक दो तीन और चार की जगह बना ली। अब देखना जगह बनाने के बाद में, यहां पे जब एक एक रहता है तो मैंने क्या बताया कि जोड़ के लिखते जाओ, एक में चार जोड़ेंगे पांच हो जाएगा, चार में पांच जोड़ेंगे नौ हो जाएगा, पांच में नौ जोड़ेंगे चौदह हो जाएगा, और नौ में चौदह जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। क्लियर है, इतना तो समझ में आ गया। मैंने आपको क्या बताया, जो ऊपर वाली संख्या होती है वो पहले होती है और नीचे वाली बाद में, नीचे वाली बाद में। तो पहले जो होती है वो, जो ऊपर जो होती है संख्या वो पहले वाली होती है ना, तो पहले वाली संख्या, इसका मतलब ये ऊपर की है 14 बटे में 23 आ जाएगा, यानी कि बाद वाली जो संख्या होती है वो नीचे वाली होती है ना, तो बाद वाली संख्या ये नीचे वाली, यानी कि 14 के बटे में 23। ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 14 के बटे में 23 पहला ऑप्शन। क्लियर है सभी को। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, अब वही सवाल आ गया जिसका आपको इंतजार था, कि जब यहाँ पे दो एक तीन दो चार जो संख्याएं बदल बदल के यहाँ दी जाएंगी तब कैसे करेंगे। बहुत आसान है, देखना तरीका तो वही है, ऊपर वाली संख्या को यहाँ पहले ले लो, ठीक है, नीचे वाली को संख्या को बाद में ले लो। ये दो संख्या हो गई, अब कितनी संख्या, एक दो तीन चार, तो एक दो तीन चार संख्याओं की जगह बना ली आपने, ठीक है। जगह बनाने के बाद में करेंगे क्या, जगह बनाने के बाद में करेंगे क्या, आप देखना क्या, देखिए एक दो तीन चार, ठीक है ना, तो यहां पे क्या है आपके पास, दो है यहां पे, क्या भाई आपके पास दो, ठीक है, यहां पे तीन, यहां पे एक और यहां पे दो, ठीक है। चलिए करते कैसे हैं क्वेश्चन को, इस बात को समझने की जरूरत ज्यादा है। देखिए ये जो दो है यहां लिखो, तीन को यहां लिखो, एक को यहां लिखो और दो को यहां लिखो। इसका मतलब क्या है कि पहले वाली संख्या छोड़ देते हैं, लास्ट वाली संख्या छोड़ देते हैं, पहले की छोड़ दिया, लास्ट का छोड़ दिया। फिर यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, पहली संख्या के ऊपर, फिर ये इस वाली संख्या के ऊपर, ये वाली संख्या इसके ऊपर, और लास्ट वाली संख्या इसके ऊपर लिखना है, ठीक है। चलिए अब तीन का मल्टीप्लाई दो से करूंगे, तीन दूने का छह, छह में जोड़ देंगे दो को तो आठ हो जाएगा, आठ का मल्टीप्लाई तीन से करेंगे, आठ या चौबीस, चौबीस में जोड़ देंगे तीन को तो 27 हो जाएगा। पहले भी तो जोड़ रहे थे हम इनको, लेकिन अब क्या करना है कि जब एक से मल्टीप्लाई करते, जब हमारे पास सभी जगह एक था, तो एक अगर मैं लिखता सभी जगह, तो मल्टीप्लाई एक से करने पे, जैसे मैं तीन का मल्टीप्लाई एक से करता तो तीन ही आता, तीन में दो जोड़ देते पांच, मैं डायरेक्ट तीन में दो जोड़ रहा था पांच। इस तरीके से एक जब होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, अब यहां पर अलग अलग संख्या तो लिखना है। अब 27 का मल्टीप्लाई एक से करो, 27, 27 में जोड़ देंगे आठ तो कितना हो जाएगा भैया 35, 35 का मल्टीप्लाई दो से करो तो 70, और 70 में जोड़ दो 27 तो कितना हो जाएगा 97 हो जाएगा। बस आपको पता है कि पहले वाली संख्या तो ऊपर वाली होती है और बाद वाली संख्या तो नीचे वाली होती है, ठीक है। 35 के बटे में 97, 35 के बटे में 97, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया आपका आंसर। क्लियर है। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। प्रश्न कह रहा है, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए, आपके पास चार भिन्न हैं, इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। करने का जो सही तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए हमेशा याद रखें जो अंतर है ना भिन्नों का, उन्हें लिख लें, सात और दस में तीन का अंतर, तेरह में सोलह में भी तीन का अंतर, सात में चार में भी तीन का अंतर, आठ में ग्यारह में भी तीन का अंतर। अब जब अंतर सभी में समान आया है, सभी में तीन तीन का अंतर आया है, तो बताना आसान है। जब सभी में तीन तीन का अंतर है तो बताना आसान है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है वही भिन्न सबसे बड़ी है, यानी कि 13/16। जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा है वो सबसे छोटी है, यानी कि ये भिन्न सबसे छोटी है। ये बताना आसान कब है, क्योंकि सभी का अंतर हमारा समान आया है तीन। अगर बदल के आता यहां तीन चार दो एक ऐसे बदल के आता ना, तो फिर कैलकुलेशन करनी पड़ती। कैलकुलेशन क्या होती है,
इस अंतर से ऊपर वाली संख्या में बस डिवाइड दे देते हैं और कुछ नहीं करते। जैसे मैं आपको डिवाइड देना चाहूं, अंतर कर लिया, अंतर से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड देंगे, ऊपर वाली संख्या में हमेशा, ठीक है, ऊपर वाली संख्या में डिवाइड देंगे। तीन दुनिया का छः कटेगा, एक बचेगा दस, तीन तिरिक्का नौ, तीन चौके बारह, ठीक है, एक बचेगा दस हो जाएगा, तीन तिरिक्का नौ, तीन एक कम तीन, तीन तिरिक्का नौ, तीन दुनिया का छः, दो बचेगा बीस, तीन छिंके अठारह। तो सबसे बड़ा कौन है भाई, चार दशमलव तीन है कि नहीं, इसी से तो निकल के आया है। ये तरीका है निकालने का, जब यहाँ पे अलग अलग संख्या रहेंगी तो ऊपर वाली संख्या में डिवाइड करके निकाल लोगे आप। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी, अंतर वाला तरीका जो मैंने आपको बताया वही लगाएंगे। 31 में और 37 में 6 का अंतर, 28 में 36 में 8 का अंतर, 43 और 55 में 12 का अंतर, 61 में 65 में 4 का अंतर। अंतर जो मैंने कर ली है उनका डिवाइड ऊपर वाली संख्या में दे दो, यानी कि 31 में डिवाइड दे देंगे 6 का, 28 में डिवाइड दे देंगे 8 का, 43 में डिवाइड दे देंगे 12 का और 61 में डिवाइड दे देंगे 4 का। यानी कि जो अंतर इनका निकल के आया था ना 6, उसी अंतर से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड देना है, ठीक है। चलिए 6 से कटा दो, 6 पंजे 30, पांच बार में कट गया 30, एक बचेगा दशमलव जाएंगे 10, 6 कम 6 ऐसे जाएगा, 8 तिरिक्का 24, दशमलव लग जाएगा, 4 बचेगा 40, 8 पंजे 40, 12 से कटाएंगे, 12 तिरिक्का 36, दशमलव 36 तक कट गया, 4 और 3 7 बचा, यानी कि 70 हो जाएगा, 12 पंजे 60, यानी कि 3.5 आ रहा है, 12 पंजे 60, 10 बचेगा 100, 12 कम 12, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दशमलव में और छोटी संख्या होती जा रही है, 4 से कटाएंगे, 15 बार में तो कट जाएगा 60, एक बचेगा दशमलव, 10 हो जाएगा, 4 दुनिया का 8। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे आपको कौन सी नजर आ रही है भाई? मुझे तो इससे बड़ा कोई नजर नहीं आ रहा, 15.2 से, यानी कि 61 के बटे में 65 सबसे बड़ी भिन्न है, 61 के बटे में 65, डी ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। तो सभी को समझ में आ गया दोस्तों, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, हमारा मोटिवेशन आपके लिए और बढ़ेगा, हमारा जो वीडियो बनाना है जिससे हमें बहुत हिंट मिलती है, आप जो लाइक कमेंट करते हैं हमें बहुत खुशी मिलती है, ठीक है। तो लाइक और कमेंट जरूर किया करें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।